दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है अगर अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर ओपन कर रहे हैं और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है यू हैव नॉट सेट अप परचेज वेरिफिकेशन, तो ये क्यों मैसेज आपको देखने को मिल रहा है और इसको आप अगर ख़त्म करना चाहें या बंद करना चाहें तो किस तरह से बंद कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहें। तो ये जो है दोस्तों, गूगल वालों ने सिक्योरिटी के लिए दिया हुआ है कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन किसी दूसरे के पास आ जाए और वो जो है आपकी कोई भी गूगल प्ले स्टोर से जो है ऐप वगैरह डाउनलोड कर ले या परचेज़ कर ले, तो ये अगर आप सिक्योरिटी फीचर इनेबल कर देंगे तो कोई भी आपके सिवाय जो है आपके मोबाइल फ़ोन भले वो यूज़ करे लेकिन आपके गूगल प्ले स्टोर में वो कोई भी चीज़ बाय भी नहीं कर सकेगा, कोई भी ऐप जो है डाउनलोड भी नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो अगर आप इस फीचर को इनेबल रखना चाहते हैं तो इसको आपको इनेबल करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने मिल जाते हैं नीचे, पासवर्ड सेट करने का या फिंगरप्रिंट सेट करने का। अगर आप इस फीचर को यूज़ नहीं करना चाहते तो इसको बंद किस तरह कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कोई भी इस पर कहीं पर भी आपको कैंसिल का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको मोर ऐप्स पर क्लिक करना है और अपनी मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा एप्लीकेशंस का या ऐप्स का, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके मोबाइल फ़ोन में जो भी ऐप्स इंस्टॉल हैं वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको गूगल प्ले स्टोर को तलाश करना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आ सकते हैं गूगल प्ले स्टोर, इस ऐप पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टोरेज, स्टोरेज के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे आप ऑप्शन देख सकते हैं क्लियर कैशे और दूसरा है क्लियर डेटा, तो यहाँ पर आपको क्लियर डेटा के ऑप्शन पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। ठीक है, इसकी जो डेटा है वो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आप सेटिंग्स को बंद कर दें, उसके बाद सारी ऐप्स को आपको बंद कर देना है। उसके बाद आपको गूगल प्ले स्टोर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये जो परचेज वेरिफिकेशन का जो डायलॉग बॉक्स है ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि आपको ऊपर जो प्रोफाइल आइकॉन है इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये मेन्यू देखने को मिल रहा है, आपको सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप सकते हैं तीसरे नंबर पर ऑप्शन परचेज वेरिफिकेशन, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है वेरिफिकेशन फ्रीक्वेंसी, इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको नेवर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको अपना गूगल अकाउंट का पासवर्ड एक मरतबा आपको टाइप करने पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपने गूगल प्ले स्टोर का जो पासवर्ड है वो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ। ठीक है, पासवर्ड देने के बाद वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अब ये ऑप्शन बंद हो चुका है। ठीक है, अब आप जब भी गूगल प्ले स्टोर ओपन करेंगे तो आपका गूगल प्ले स्टोर नॉर्मली ओपन होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।